नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवारों का नामांकन होना था बिहार विधानसभा में, जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और बिहार सरकार के सभी मंत्री, चाहे वह भाजपा पार्टी से जुड़े हो या फिर जदयू से जुड़े हो, सबभी यहां पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी यहां पहुंचे। लेकिन आपको बता दें कि यहां पे जब नामांकन कर रहा था, नामांकन के बाद जब बाहर निकलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कैंडिडेट खीरू महतो, यानी कि जदयू कैंडिडेट खीरू महतो, साथ ही साथ और भी जो भाजपा के जो कैंडिडेट है उनका कैंडिडेट नामांकन होता है, नामांकन के बाद बाहर निकलते मुख्यमंत्री ने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, पहले सुनिए आप उनका बयान। और खीरू महतो जी का नॉमिनेशन हो भी चुका है, बाकी सब प्रोसेस तो चल ही रहा है और आप लोग तो सब आए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आप इतने लोग सब लोग जितने आए हैं, सब लोग खुशी की बात है। और कोई बात है तो पूछिए। आरसीपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने किया है, उन्होंने कहा कि आपको धन्यवाद दिया है और मंत्रिमंडल को लेकर के कहा कि पीएम का भी स्वागत कर रहे हैं, हम दिल्ली जाकर पीएम से बात। सब कोई समस्या नहीं, कोई भी चीज तय करना होता है वो आप जानते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उसको सब कुछ कहा जाता है। लेकिन ये सब बात तो हो गई थी और तय किया था, बहुत उनसे विचार विमर्श करके सब कुछ हुआ, ये हो गया है। उन्होंने भी आज कहा है और कल जो बना रहे ऐलान था तो कल तो आप जानते ही हैं कि पार्टी अध्यक्ष ने भी अपनी पूरी बात कहा था, इसलिए यहाँ कोई किसी चीज़ को लेकर के मतभेद नहीं है। लोगों की इच्छा हुई कि नहीं, एक हम झारखंड से और वहाँ चूँकि काफ़ी काम हो रहा है और ये पुराने साथी हैं और ऐसे व्यक्ति को भी, बगल के राज्य वाले को भी एक मौका देना ज़रूरी है, तो इसीलिए सब चीज़ सोच करके किया गया है। लोगों को बड़ी खुशी है, दोनों तरफ सबको खुशी है, किसी को किसी बात के लिए एतराज़ नहीं है। और उन्होंने खुद भी आज हरसिमरत सिंह ने खुद भी बात किया, तो कोई एतराज वगैरह की बात नहीं है। ये सब चीज़ जो होता है उनको तो इतना अवसर दिया ही है, हम लोगों ने शुरू से ही दिया है अवसर। जब IAS अफसर थे तब साथ, उसके बाद तब फिर राज्यसभा में भेजना, दो बार भेजा भी, पार्टी का भी अध्यक्ष बनाया, अभी केंद्र में मंत्री भी है, तो ये सब मौका मिला है, तो उससे कोई खास बात नहीं है। सब लोग पार्टी में हैं और निर्णय हुआ कि नहीं इस बार मौका जरा ऐसा दे दें बगल में, इस्तीफा को लेकर के बात हो रही है बहुत पुराना। तो आपने सुना, साफ तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो या जो निर्णय लिया गया वह निर्णय है। लेकिन वहीं सवाल किया गया कि आरसीपी सिंह को लेकर क्या होगा, तो उन्होंने कहा है कि अभी जुलाई तक का वक्त है, जुलाई तक आरसीपी सिंह राज्यसभा सदस्य बने रहेंगे, उसके बाद का जो समय होगा वह देखा जाएगा। हालाँकि जो जिस तरीके से खीरू महतो झारखंड से बुला के बिहार से राज्यसभा भेजा जा रहा है, तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं आरसीपी सिंह को लेकर कई बार सवाल किया गया, लेकिन खुलकर मुख्यमंत्री जवाब देते हुए नज़र नहीं आए। यानी कि कहीं ना कहीं जदयू में इस बात को लेकर परेशानी हो सकती है। हालांकि आरसीपी सिंह ने भी एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी और कहीं ना कहीं इस मामले पर विराम लगाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात जदयू के भीतर से आ रही है, जो आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजने से कहीं ना कहीं पार्टी में नाराजगी देखने को जरूर मिल सकती है। और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लाइव इंडिया।